लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बड़वा में एसडीएम मिलिंद ठोके के मार्गदर्शन में समस्त कर्मचारी अपने अपने ड्यूटी स्थानों पर तैनात होकर बाहरी क्षेत्रों से आने जाने वाले वाहन चालकों को सख्ती से रोक रहे हैं। वहीं नगर में प्रतिदिन गरीब एवं असहाय लोगों को होने वाले भोजन वितरण का कार्य भी बंद करवा दिया गया है। नगर में समाज सेवा से जुड़े युवा एवं अन्य समाज सेवी संगठन द्वारा वितरण होने वाले भोजन एवं अन्य किराना सामग्री देने वाली संस्थानों को एसडीएम ठोके के आदेश अनुसार अब नगर पालिका परिषद में देना होगा, ताकि जरूरतमंदों को समय अनुसार भोजन मिल सके। कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर स्थानीय प्रशासन ने मुख्य स्थानों पर पॉइंट बनाए हैं। ये पॉइंट महेश्वर रोड, ओखला, काटकूट फाटे सहित अन्य जगह बनाए हैं, जहां से बाहरी क्षेत्रों से आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है। लॉकडाउन के तहत कल से सब्जी मंडी खोलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। व्यवस्था है तो वैसी जो पहले से की तरह चली आ रही है, जो सख्ती की जा रही है। इंदौर से या इंदौर के आसपास वाले जो लोग आते हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चार पॉइंट इसके लिए लगा है, एक बलवाड़ा में, एक ओखला में, काटकूट में, महेश्वर रोड। और जहाँ तक एक भोजन वगैरह बांटने का प्रश्न है, इसमें आज से सभी जो समाज के लोग या फिर कोई राजनीतिक दल के लोग जो भोजन बांट रहे हैं, आज से उनका व्यक्तिगत रूप से भोजन बांटने की कार्रवाई बंद की जा रही है। अगर उन्हें भोजन देना है तो नगर पालिका में आकर अपना सूखा सामान या फिर बना हुआ सामान देंगे और नगर पालिका की तरफ से भोजन बांटा जाए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।